अभी बड़ी ये ट्रकों वाला गियर हो गया है अभी, मैं दिख जरा ये देखो, ये देख रहे हो ना, ये गियर लग नहीं रहा है, ये इतना ज्यादा फ्री हो गया है, इशारे थोड़े से इशारे लग रहे हैं, बस ट्रकों वाला मामला हो गया है। तो हम सिर्फ इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम आया कहाँ से और इसका समाधान क्या है। अब यहाँ दिखाओ जरा, ये देखो इतना ज्यादा प्ले, क्लच मैंने नहीं दबा रखा है अभी, ये देखो इतना ज्यादा प्ले है, मैं पीछे कर रहा हूँ, उधर दिखाओ जरा, उधर दिखाओ पैडल पे, और ये देखो ये गाड़ी स्टार्ट है, आरपीएम दिखाओ जरा, गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है, ये फ्री हो गया है। तब इसको डायग्नोस करेंगे फ्री कहाँ से हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए फ्री होने का, तो यहाँ से देखने से पहले जो कम चीजें खुलती हैं वो चीजें हमें देखना जरूरी है, पहले बोनेट उठा के कि वहाँ कुछ कहानी गड़बड़ तो ना हुई है, क्यों चलते रास्ते में ऐसे फेल होना, अचानक से फेल हो गया तो क्या कारण हो सकता है। ये देखो ये वाला सही है, इधर सही है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, लेकिन इधर सही नहीं है, देखो रुका रह गया, फिर इधर ये रुका रह गया, ठीक है ना, ये गियर नहीं लग रहा है, अब गियर लगा है, बस ये न्यूट्रल हुआ है। देखो अब इतना जुर ये जो आ रहा है प्ले, ये देखो प्ले इतना है, आगे इतना है, इतना पीछे प्ले, अब गियर लगा, ये तो ये चक्कर पड़ जाता है, मैं लग रहा कि गलत गाड़ी खड़ी कर ली है, कोई बात नहीं, भैंस है आगे पता नहीं कहाँ से, मैं कह रहा हूँ कौन टक्कर मार रहा भाई, तो ये भैंस थी सारी, और मैं इसको लेके चल रहा हूँ, पहले तो कहीं गाड़ी को रोके साइड में, जहाँ देखा जाए बेल्डिंग वेल्डिंग का काम हो रहा हो वहाँ रोकना सही रहेगा, क्योंकि कुछ टूटा फूटा रहेगा तो उसको कम से कम हो तो जाएगा। तो ये दिख रहा भाई अंसारी फैब्रिकेशन है, ये हम आ चुके हैं फाइनली दुकान पे, क्लच बढ़िया काम कर रहा, कोई शिकायत नहीं है, खाली गियर का शिकायत है। तो ये मैं खोलता हूँ बोनट और देखते हैं क्या पंगा है। ये हाँ ये चीज फेल हो गई, इधर दिखाओ, ये देखो ये लीवर फेल हो गया भाई, इसीलिए गड़बड़ कर रही थी। मैं अंदर से जाके देखता हूँ एक बार क्या कहानी है। तो देखा आपने यहाँ पर ये टूट गया है, यहाँ से तो कुंदाई टूट गया है। हाँ तो ये बात है, वाजी वाह चाहे तो मेरे को बैटरी सैटरी सारा उतारने, तो खड़ा हो जरा जल्दी करो, आ जा भाई आई शाबाश। ये यहाँ कहाँ सेट होगी ये चीज का देखना होगा, न्यूट्रल पहले करने दो मेरे को, तो ऐसे करके यहाँ पे एक यहाँ टुक वेल्डिंग का करवा देंगे, बिल्कुल सेट हो जाएगी। डायरेक्शन बिल्कुल सेट है, बिल्कुल सेट है ना डायरेक्शन, तो हाँ यहाँ पे पकड़ के रखना पड़ेगा ऐसे, अब फिर वेल्डिंग की टांके लगवाने पड़ेंगे जरूर, तभी मजा आएगा। आओ ले आओ जरा टांके लगाओ इसे, अभी मैं चला के एक बार देखता हूँ, ठीक है, कच्चा है अभी, वायर तो निकाल ही रखा है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बैक, तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा
बैक बिल्कुल टॉप है, बिल्कुल सही सेंटर में है। ओके 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 की उसकी रिपोर्ट है, यहीं फिक्स कर दो भाई, यही फिक्स करवा देते हैं थोड़ा दूर। ज्यादा गर्म ना हो, दिक्कत नहीं है ना पानी डालने से, ना कोई। अभी ठंडा कर लेते हैं वरना सील की जो है ना हो जाएगा सत्यानाश। और बताओ क्या पैसा दे दिया जाए? हाँ जी, क्या पैसे दे दिया जाए? ओके की रिपोर्ट है। लोगों तो पहले मैं लगाता हूँ ये ब्रैकेट, फिर लगाता हूँ इसके बोल्ट। जिसकी साजिश यहाँ से अलग अब बैटरी की प्लेट लगावे मैं लगाता हूँ इसके बोल्ट सारे। ये हो गया फुल टाइट, अब लगा देते हैं इसका बैटरी क्लैंप और हम चेक करते हैं पूरी गाड़ी को, गाड़ी की क्या कंडीशन है। बोनट को करो बंद, लेते हैं ड्राइव टेस्ट। ये एसी को करता हूँ 0.2 पे और लेता हूँ थोड़ी सी ट्राई। अब वो वाला कैमरा कर लो आप, फ्रंट वाला ना। यार इधर से निकाल लेते हैं। हाय हाय कितने प्यार से लग रहा है यार, क्या बात है। अब डाउन मारूंगा मैं, ये 2 नंबर है, मजा आ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर न्यूट्रल 3 नंबर 4 नंबर तो सारे गियर तकरीबन मस्त है, बढ़िया है। 40 की स्पीड में है गाड़ी 40 की स्पीड में है।
बिल्कुल सेट है मामला। अब मैं दोबारा से पॉज करता हूँ, रोकता हूँ गाड़ी को, स्टॉप, पहला गियर, ओके ओके की रिपोर्ट, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, पांचवा गियर। थोड़ा सा कैमरा को ऊपर करो जरा भाई। प्रॉब्लम तो रही छोटी सी, लेकिन इसके साइड इफेक्ट जो है ना वो काफी हार्ड हो सकते हैं जी, कहानी बड़ी हो सकती है। ध्यान रखना, हमें तो जानते ही है फोल्ड पकड़ने की आदत है, जल्दी से जल्दी फोल्ड पकड़ना होता है, कम से कम पैसों में करवाना होता है। देखो वेल्डिंग वाले को 50 रुपये दिए भी नहीं वो अंसारी भाई के, तो उसके भी पैसे मैं जाके रिटर्न दे देता हूँ और ट्राई लेने लेके चला आया सीधा। तो भाई क्या है, फाइंड आउट करना ज़रूरी है, फिल्म बनाने की कहानी लंबी चौड़ी हो जाती है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इससे क्या होता है, कस्टमर कई बार आप धीरे धीरे करके कई बार में लोगे और उस तरीके से क्या कस्टमर को एक ही बार में काट लोगे तो कोई फ़ायदा होता नहीं। तो सब मिला जुला के गाड़ी ओके है। और इस तिवारी कार क्यूरी इस चैनल को भाई लोग आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यदि हिट कर देते हैं फिर मज़ा ही आ जाना है, बिल्कुल ही दबा दब दबा दब। तो कोशिश करेंगे छोटी छोटी बहुत सारी वीडियो लाने की इस चैनल पे। क्यों तिवारी जी, तो ठीक है रखते हैं। बाकी ड्राइव में तो मज़ा आ गया भाई, इस टाइम हाथ छोड़ के गाड़ी चल रही है भाई, चलाना कट जाए यार। सीट बेल्ट लगा रखे भाई, देखो हेरा क्या यार, कामों हम लोग का जो काम है ना यार, मस्तीबाजी का है पूरा, प्योर है मस्ती, फुल्ली इंटरेस्टेड है इस काम में और मजा भी आता है बिल्कुल की यार। तेरी आंखों तो इस वीडियो में भाई इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मिलने का तो काम ही है, मिलेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नए तरीके से। तब तक के लिए भाई ओके, थैंक यू। और भाई अपना तो चल ही रहा है एंजॉयमेंट पूरी डिटेल में। हाँ ठीक है भाई, थैंक यू।